أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحان الله. سبحان الله. اللهم العظيم الكرام یہ سورہ حدید ہے مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبح للہ ما فی السماوات والارض سبحان اللہ فرمایا تاکید کی ہے اس ذات پاک کی. یہ ہم تاکید کی بیان کرتے ہیں جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے سبحان وہ سارے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کی. سبحان اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. سبحان لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کی ملکیت ہے. سبحان وہی زندہ بھی کرتا ہے وہی مارتا بھی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان الاولو وہی اول ہے. سبحان والآخرو وہی آخر ہے. والظاہرو وہی ظاہر ہے. والباطنو اور وہی در پردہ ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں چلتا ہے. وہو معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. اور اللہ ہمارے اعمال کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے. سبحان آیات و طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے حدید. اس کی ایک آیت میں حدید کا لفظ آیا ہے جس کے معنی لوہے کے ہیں. اسی لفظ کے نام پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. نازل ہوئی ہے یہ مدینہ طیبہ میں. آیتیں ہیں اس کی 29 اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں. یہ اصول تفسیر کا ایک مسئلہ ہے. پہلے
आपका इज्तिम देखकर तबीयत खुश हो गई है। एक बेचारा अकेला साथी इस एरिया में रहता है, उसे अपने तमाम मोहब्बत वाले दोस्तों की पहचान है, उनको बुलाया है, ये सारे दोस्त कोई ब्रैडफोर्ड से, कोई बरी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ वो हूँ, अल्लाह आपको जजाए खैर, घर में बैठे अल्लाह तला रहमतों की बरसात और बरकतों से माला माल करे। हदीस के माने लफ्जी तौर पर तो लोहे के हैं, लेकिन मानवी तौर पर इसके माने कुव्वत के हैं, यानी तुमने कुरान के लिबास में हमने कुव्वत अता फरमाई है। कुरान मजीद जिस तरह के कलिमात से शुरू होता है उनको कहते हैं फवातिहे सुवर, सूरतों की इब्तिदा, सूरतों की तमहीद, सूरतों का मुकदमा, सूरतों का खुतबा। जिस तरह के एक अच्छा मुकर्रर अपने खुतबे के दौरान ऐसे कलिमात इस्तेमाल कर देता है जिससे पता चले कि इसके तकरीर के कंटेंट्स क्या होंगे, इशारे दे दे, और इसको कहते हैं सनत बरात इस्तेहलाल। ये उसूल तफसीर का लफ्ज है, तफसीर और चीज है, उसूल तफसीर और चीज है। तफसीर इस बात का नाम है कि जो कुछ अरबी जुबान में आया है, जो कुछ उसका मतलब बनता है, उसको अपने लफ्जों में बयान कर दे, इसका नाम है तफसीर। लेकिन उस तफसीर में कोई गलती भी खा सकता है, किसी की दुरुस्त बात भी हो सकती है, उसको चेक करने का क्या तरीका है? हर एक चीज की चेकिंग होती है, एग्जामिन करती है उसको, ये फैसला करने के लिए कि जिस काम को इसने किया है वो काम अपने फार्मूले के मुताबिक सही है कि नहीं है। तो इनको कहते हैं फातिहे सुवर, इस इल्म का नाम है सनत बरात इस्तेलाल। अच्छा किस्म का मुकर्रर खुतबा ही पढ़ते वक्त कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला मन कान नबीयम व बैनल माय व तीन। इन सरकार के अव्वलीन तखलीक होने के बारे में बात करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकल अर्द वस्समा व अंज़ल मिनस समाई माअ फअहया बिहिल अर्द व अरसल मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले इस्तिहयाएल कुलूबिल मोमिनीन, के अल्लाह की जात पाक जिसने मुर्दा जमीन को जिंदा किया और उस खुदा ने अपना एक महबूब भेजा जिसने दिलों की मुर्दा दुनिया को अपने रहमत के छींटे मार के जिंदा कर दिया। इसका मतलब यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैजाने आम पर वो बात करेगा। इब्तिदान अपने खुतबे में ऐसे इशारात दे देना जिससे उसके आइंदा मतलब की वजाहत हो जाए, इसका नाम आले इल्म की बोली में होगा सनत बरात इस्तेहलाल। ये हम लोग भी रोजाना की जिंदगी में ये लफ्ज ये माना इस्तेमाल करते हैं, मगर नाम उसका कुछ नहीं लेते। जैसा कोई आदमी जाता है किसी के घर रिश्ता मांगने के लिए, कोई थोड़ा बहुत फ्रूट ले जाता है, ये बच्चों के लिए हम खाली हाथ आए हैं, ये बच्चों के लिए ले लो, बात शुरू करता है। आप लोग जानते हैं कि आपके माई साहबा और मेरी दादी साहबा आपने सगी बहनें थी, और आपको याद होगा आपके चचे की शादी हमारे खानदान से हुई हुई थी, मेरा मामू तुम्हारे खानदान का दामाद था। ये रिश्ते, कहता रिश्ते रहते हैं तो फिर प्यार भी रहता है। इन इशारात से पता चला वो रिश्ता मांगना चाहता है। आखिर में कहता हम और आप आपस में अलग अलग नहीं है, शुरू से ही इससे आपस में बुने हुए हैं, जिधर जाल बुना हुआ होता है। इसका नाम है सनत बरात इस्तेलाल।
शुरू करता है अपने रिश्तों से, लेकिन मांगना चाहते हैं नया रिश्ता। इसी तरह रब बातें करने के जो उसूल हैं कुरान मजीद में सूरतों के इब्तिदा के जरिए से, वो 10 हैं। फातेह सफर कुल 10 हैं, उसमें सिर्फ एक पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। एक सब्बा खा यु सब्बे खो सुबहान अल्लाह है सब्बे खू हो, यानी तस्बीह के मादे से फेले माजी भी है, फेले मुजारे भी है, फेले अमर भी है और मसदर भी है। लफ्ज़ सीन बा और खा बे नुक्ता, इसके माने खुदा की पाकीजगी बयान करना। और 10 हैं अल्हम्दुलिल्लाह के लिबास में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, उसी में से एक है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी अल्लाह के अंदर जो सिफतें पाई जाती हैं उनके जिक्र के साथ इब्तदाई सूरत होने के ये माना है कि खुदा के अंदर जो पाई जाने वाली सिफतें हैं उनका जिक्र उस सूरत में आएगा। उनको उलमाए अकायद की बोली में कहते हैं सिफात इजाबिया, यानी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अल्लाह के अंदर जो सिफतें पाई जाती हैं उनके जिक्र का नाम है तहमीद या तबारक, यानी ये सिफतें खुदा में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीन व आसमानों के खालिक है, अल्लाह ताला सारे जान को पालता है, रिज्क देता है उनको जिंदगी, यानी वो सिफतें जो अल्लाह में पाई जाती हैं उनके जिक्र का नाम या हम्द है या तबारक है। लेकिन सब्बका यु सब्बे को तस्बीकन, हम्द का मादा एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, एक एक सीगा उनका इस्तेमाल हुआ है। खुदा के अंदर पाई गई हुई सिफतों का जिक्र कम है, जो खुदा में सिफतें पाई नहीं गई और खुदा की तरफ मंसूब की गई, रब ने उनका रद्द बयान किया, उसका नाम है तस्बीह। समझियो, हम कहते हैं तस्बीहें पढ़ते हैं, सर सीधे में रख के पढ़ता, उसका नाम क्या है? तस्बीह। यानी लोगों ने सजदे में सर रख के माबूदाने बातलों को पूजा है, मैं यहाँ सर रख के उसकी पाकीजगी बयान करता हूँ कि वो अकेला ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। लोगों ने कहा खुदा तीन है, कहा एक के सिवा कोई माबूद बराक नहीं, ये तस्बीह है। यानी ये सिफत खुदा में पाई नहीं गई, लोगों ने मंसूब की गई, इनको कहते हैं सिफात सलबिया। अल्लाह की सिफतों की दो मशहूर किस्में हैं, एक सिफात इजाबिया जिसमें हम्द और तबारका का मादा इस्तेमाल हुआ, दूसरा है तस्बीह। यानी जो सिफतें खुदा के लायक नहीं है, खुदा का बेटा है, खुदा ने कहा रब बेटों से पाक है, रब अकेला काम नहीं चला सकता इसलिए ये बुत परस्ती की है उसने मदद के लिए, रब कहता है खुदा ऐसे दोस्तों से पाक है, ऐसे मददगारों से पाक है, उसको हाजत है और इसलिए उनको भर्ती किया, खुदा हाजत से पाक है। जो सिफतें रब में नहीं पाई जाती उनके रद का नाम है तस्बीह। अब देखना यह है कि कौन सा मादा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, मतलब सब्बका लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सब्बका माजी का सीगा है, युसब्बिहु ये मुजारे का सीगा है। अब भी खुदा की पाकीजगी है, आइंदा भी खुदा की पाकीजगी बयान होती रहेगी। और सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई, यानी माजी भी मुजारे भी अमर भी मजदर भी इस्तेमाल हुआ। फिर ज्यादा इस्तेमाल तस्बीह का हुआ या हमद का हुआ? ज्यादा इस्तेमाल तस्बीह का हुआ।
का किसी पाई जाने वाली सिफत का इकरार करना ये तो आम है, बगैर झगड़े लड़ाई के ये मामला चल सकता है, लेकिन जरा तुसी बयान करेगा तो झूठों की झुटाई को वाजे करेगा। लेकिन वो पहला मादा जो बयानिया है, ये मादा जो है ये तरदीदिया है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला की हमद ज्यादा है या तस्बीह ज्यादा है? तस्बीह ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के अंदर जो तरदीद है ना मजाहब बातला की, इतनी अल्लाह ताला की हमद नहीं है। जिसका मतलब यह है ये काम मुश्किल है, झूठों को झूठा करके दिखाना। लाखों साथ वाले जो हैं वो बिछड़ जाते हैं। मसलन हजूर भी ऐसी जात हैं जिनको छोड़ के कोई जाए? जिस रात को मेराज शरीफ हुई, सुबह आपने आके मक्के शरीफ में बैतुल हराम में बैठ के मस्जिद हराम में सरकार ने ये ऐलान फरमाया कि मैं इस तरह रातों रात यहाँ से गया हूँ बैतुल मक्दस शरीफ, रातों रात लौट के आया हूँ। उस जगह तमाम अम्बिया मुरसलीन की इमामत कराई। ये पूछने वाली बात है कि ये मिर्जा बेईमान भी अगर नबी अपने आप को समझता है तो उसमें हाजिरी लगवानी चाहिए थी ना। जो नबियों के हाजिरी के काल हुई है उसमें ये शामिल है, मालूम है झूठा है ये। अगर ये भी नबी होता तो कहीं आगे पीछे दाएं बाएं खड़ा होता, किसी तरह इसका सरातन कनायतन और उसूलन इख्तितामन किसी तरह इसका जिक्र आ जाता। लेकिन इस बेईमान के कोई किजात को अल्लाह ने उसके रसूल ने काबिल जिक्र समझा ही नहीं। ये बात सरकार ने अपने सहाबा को इकट्ठी करके नहीं कही, सहाबा अपने अपने घर जो मौजूद थे इत्तेफाकन वो मौजूद थे। हत्ता के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सीनियर आदमी उस मजलिस में नहीं है। सरकार ने ऐलान फरमाया कि मैं इस तरह गया हूं। जरा देखें, मुखलसीन की जमात में मुनाफिकीन भी आते रहते हैं। ये बेईमान आता था मगर ईमानदारी की गर्ज से नहीं आता था, ऐब चुनने की गर्ज से आता था। मालूम हक की मजलसों में आले बातिल भी आते हैं लेकिन बात को समझने की गर्ज से नहीं आते, बात को छेड़ने की गर्ज से आते हैं। उसने फैसला किया, चूंकि वो सियासी आदमी था ना, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह की ज़ाते पाक इस्लाम की आमद से पहले अरब माशरे में ये भी सियासी आदमी थे। हत्ता के आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो कत्लों के केसों के फैसले थे वो ये किया करते थे। उसने उस पुरानी यारी की बुनियाद पर कहा कि और कोई तो माने या ना माने अनपढ़ लोग हैं, लेकिन अबू बकर तो अनपढ़ आदमी नहीं है, वो तो जज है, वो बहुत अच्छी तरह से बात को जानता है। लेकिन अकल कुर्बा कुन बपेशे आकिला, अगर शऊर रखता है तो अपने महबूबों की बारगाह में अपना अकल की कुर्बानी दे दे, बेहतर है के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैं भी तमाशाए अभी बाम अभी सरे बाम अभी। जब नारे नमरूद में छलांग लगाने की नौबत आई तो अकल जो है वो इंतजार कर रही है कि आग में किस तरह छलांग लगे, बचने का क्या बंदोबस्त होगा। इश्क ने कहा तू सोचता रह, अगर तू सोचना चाहती है मेरी अकल तो सोचती रह, मुझे इससे क्या गरज के मैं जीऊंगा या मरूंगा, मेरा तो इससे गरज है मेरा यार राजी हो जाए। महबूबांदा राजी नामा लोड़न सदा बिचारे। आशुनी दस्ती के हंगामे नबर्द, इश्क बा अकले हवस परवर चिकर्द। कहता वो तुमने नहीं सुना अकल क्या कह रही थी हुसैन को, इश्क क्या कह रहा था। अकल बोली अपने बच्चों को न मार, इश्क बोला ऐसे ही मिलता है यार। अकल बोली सबसे प्यारी जान है, इश्क बोला यार पर कुर्बान है। तो अब अब सिद्दीक की अकल पर सरकार का इश्क गालिब है। अबू जेल कहीं रास्ते उनको पकड़ लिया,
कि आज तो तुम्हारे साहिब ने ऐसी बात की है कि तुम भी कहोगे कि वो झूठा है माजल्ला। अपना ये झूठ का लफ्ज वापस लो फिर बात करो। उन्होंने कहा आज मैंने उसका आवाज सुना है। वो कहता है मैं रातों रात यहां मक्के शरीफ से सरजमीन शाम में बैतुल मक़द्दस शरीफ गया हूं, वहां नबियों को नमाज पढ़ाई है, रातों रात वापस आ गया हूं। अब बता इस वक्त की तेज तरीन सवारी जो है वो महीने लगा करके बैतुल मक़द्दस पहुंचती है, तो इसके पास तो ऊंटनी भी कोई नहीं थी, ये रातों रात गया किस तरह आया किस तरह है। ये मानोगे कि एक आदमी मक्के का रहने वाला रातों रात गया रातों रात वापस आ गया? हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले तुमने ये बात सरकार की जुबान से सुनी है? हाँ उनकी जुबान से सुनी है। उनका अगर उनकी जुबान से सुनी है तो सच है सच है सच है। उनका मैं तो वो अर्श पर जाने की बातें करे वो मानता हूँ, ये तो बैतुल मक़द्दस करीब है। उस वक्त वो नाउमीद हुआ, सरकार ने उनको अबू बकर सिद्दीक का टाइटल दिया। लफ्ज सिद्दीक उस वक्त का टाइटल है, अकबर का लफ्ज उसके साथ नहीं। हदीस के से हदीस से सिद्दीक साबित है, अकबर साबित नहीं। हजूर ने फरमाया कि वो सिद्दीक है। आई समझ में बात? इस सुबह को काफी सारे सहाबा में से लोग मुर्तद हुए। रास्ते में मुर्तद होने वाले लोगों का क्या जिक्र? नबी की बारगाह में जिन्होंने दर्जनों मजालिस अटेंड की हैं, साल आ साल गुलाम रहे हैं, एक रात के झटके में जुदा होकर परे होकर बैठे, मुर्तद जिए मुर्तद मरे, उसमें किसी एक को भी तौफीक नहीं हुई कि तौबा करे। तौबा भी खुदा की अता है, हर किसी को नसीब नहीं होती। अब जनाब साथ भी इस तरह भी छड़ते हैं, सरकार ने क्या किया था जिस वजह से कुफार सख्त नाराज थे? उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात सलबिया का जिक्र किया था, उसका शरीक कोई नहीं। ये कहते थे शरीक है, जब तो किसी का रद्द बयान करो ना उस वो नाराज होता है। तो आप कुरान के तर्ज बयान से ये समझ जाएं कि सारे जहान को नाराज करे तो खुदा की बारगाह की मोहब्बत का दरवाजा खुलता है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये तो उसका सब बखल्लाह पर गुफ्तगू थी। अब आगे चलिए, अल्लाह ताला की पाकीजगी बयान करनी है। अब फरमाए जो कुछ आसमानों और जमीन में है ये सब उसकी तस्बीह बयान करता है। यानी कायनात के दरो दीवार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये जो कहते हो खुदा का कोई शरीक है, खुदा का कोई बेटा है, मरियम उसकी बीवी है, ये सब झूठे हैं। सरकार का कोटेशन कुरान मजीद में है, इनकान अलिर्रहमान वलदन फाना अव्वलुल आबिदीन, अगर खुदा का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी पूजा करने वाला होता। इससे कोई नसब का भी पता चला? ये बात क्यों फरमाई? अगर खुदा का बेटा होता, खुदा का जुज्व होता, जुज्व का वही हुक्म होता है जो कुल का है। अगर खुदा को पूजने में मुझे कोई इतराज नहीं था, उसके बेटे को पूजने में मुझे क्या इतराज हो सकता? मिर्जा कादियानी एक जगह एक हदीस पेश करता है, कहते है इब्राहिम अगर जिंदा रहता वो जवान होता तो नबी होता। कहता इससे नबूवत का इम्कान साबित हो गया कि सरकार के बाद नबी कोई हो सकता है। हम उसका जवाब देते हैं कि तारीख मुमकिन बिल मुहाल, इसका फायदा मुहाल होता है। मसलन अगर बेटा बाप बन जाए तो मैं समझूंगा सबसे बड़ी किरामत है। इसका मतलब सबसे बड़ी किरामत का तो कायल नहीं है, क्योंकि तूने किसी चीज को किसी ऐसी चीज के साथ तशबीह दी है, शर्त लगाई है जो नामुमकिन है। खुदा का बेटा मुमकिन ही नहीं,
इसलिए उसकी पूजा मुमकिन ही नहीं है। जैसे खुदा का बेटा मुमकिन नहीं, इसी तरीके से सरकार के बाद किसी की नबूवत मुमकिन नहीं। कायनात के दरो दीवार बोल बोल के कह रहे हैं कि अल्लाह की जात पाक है और वो गालिब है। गालिब बई माना कि अगर डंडे से लोगों को झुकाते तो जितने मुनकर मार मार के जूते उनके सर गंजे कर देते। कहते कुव्वत के जरिए से नहीं। पॉलिसीज की दो किस्में हैं निजाम हुकूमत में, एक इम्पेरेटिव पॉलिसी, एक परसुएसिव पॉलिसी। का जबर से हम किसी से कुछ नहीं मनवाना चाहते। बात को शौरी तौर पर समझो, दिल की गहराइयों से उसे तस्लीम करो। मुझे खुदा मानो तो फिर खुदा मानने में भी लज्जत है, उसका फायदा भी पहुंचने वाला। लेकिन कल हमने तुम्हारे सामने सजदे करवाए हैं, आज जूते मार मार के तुमसे सजदे करवाए, ये हमारी शान के लायक नहीं। हूं मैं गालिब, अगर चाहूं तो फिर तुम्हें कर दिखाऊं, लेकिन हकीम भी हूं, दाना भी हूं। मैं समझता हूं ये बात मैं कर तो गुजरूं, लेकिन मेरी खुदाबंदी शान के लायक नहीं है। फरमाया लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों में कोई और मालिक नहीं। देखा ना लफ्ज़े तस्बीह का माना चल रहा है कि नहीं? यानी जो शाने खुदा के लायक नहीं है उन शानों का रद्द करना ये तस्बीह है। ये पहली आयत जो गुजरी है ये तस्बीह के माना में है। कहा ना कि खुदा का बेटा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। रब कहता अगर बेटा होना खुदा की शान के लायक होता तो उसके इतने बेटे होते जितना किसी के भी नहीं है। खुदा की शान के लायक बेटा होना नहीं है। कहा ना मरियम खुदा की बीवी है, हजरत इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी जिन्होंने उसूल तफसीर पर सबसे पहली किताब लिखी है, काफी मशहूर है कि इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ने उनसे मालूमात ली है। मगर ये आल इल्म का कायदा है, जो किसी से बात ले उसका नाम ले उससे ली है। बाद में ये जितने लोगों ने शाह वलीउल्लाह साहब ने काम किया है तफसीर कुरान पर, यह इमाम जलालुद्दीन सियूती की उनकी मशहूर किताब है अल इतकान फी उलूमिल कुरान, अत तखबीर फी इल्म तफसीर, तरतीब सुवर, ये इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताबें हैं जो कुरान पर है। लेकिन ये हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी की, उन्होंने इस पर बड़ा दिलचस्प लिखा है। कहा कि किसी जगह एक जगह निकालो जाओ सिर्फ ईसा लिखा हो, ईसब ने मरियम ना हो, ईसा हो मगर इब्ने मरियम न हो। क्या इसमें तरदीद है तमाम नसारा की? क्या तरदीद किस तरह बनती है? क्या तरदीद किस तरह बनती है? अरबों का एक मिजाज था कि मजलिस में बीवी का नाम कभी नहीं लेते थे, मरते मर जाएं। अरबों की आदत थी मरते मर जाते थे, बीवी का नाम मजलिस में नहीं लेते थे। 32 मरतबा कुरान मजीद में ईसब न मरियम, ईसब न मरियम, सुभान अल्लाह, हजरत मरियम का नाम 32 मरतबा लिया। बावर कराया कि अगर मरियम को मैं अपनी बीवी समझता तो 32 मरतबा मजलिसों में नाम न लेता। जो 32 मरतबा नाम लिया है, समझ में आ रही है ना? सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सैयद महमूद अलूसी बगदादी ने लिखा है तफसीर रुखुल मानी में, उनका 18,000 महानी कुरान मजीद के जाहिर हुए हैं, मालूम हुए हैं। 18,000 महानी वो हैं जो बातन में हैं, और कई लाख नहीं कई करोड़ महानी ऐसे हैं जो हमारी समझ में आ नहीं सके। इशारात मिलते हैं, बात पूरी समझ नहीं आती। यहां जो कहा सिर्फ उसी का है आसमानों की बादशाही, सिर्फ उसी की आसमानों की बादशाही और जमीन की बादशाही।
इसमें कसर की तरकीब क्यों इस्तेमाल की, ये तस्बीह है। लोग कहते थे आसमान फलाह ने बनाया, जमीन फलाह ने बनाई है, बारिश फलाह भेजता है, धूप फलाह चढ़ाता है, रात की रोशनी फलाह के जिम्मे है, रिज़्क़ फलाह देता है। रब ने कहा ये किसी का भी इसमें दखल नहीं, ये तस्बीह है, नफी की, इसमें खुदा का कोई पार्टनर नहीं, अकेला है खुदा, खुदा की खुदाई में किसी को कोई दखल नहीं। युखी व युमीत, वो जिंदा भी करता है और मारता भी है। ये इसलिए कि लोग कभी ऐसा कहते ये फलाने फलां को मार डाला है, फलाने फलां को मार डाला है, रब फरमाता है जिंदा करना और मार डालना ये मेरी स्पेशलिटीज है, मेरी सिफातें मुख्तसा हैं, इसमें कोई शरीक नहीं। अब इस पर जरा गौर करना होगा, जब दज्जाल के मतलब ये बात अहादीस में मशहूर है कि वो मुर्दे जिंदा करेगा और जिंदों को मौत का हुक्म देगा, वो मरे गए, बारिश बरसाएगा, उसके कैसे सब्जा उगेगा, तो यहां फिर ये जो आयत मुतलकन है, कहा कि कभी आम मखसूसल बाज होता है, जैसा अंदर कोई ना आए, ये कहते वक्त बेगाने मुराद होते हैं, अपना को अंदर आ जाए उसको नहीं रोकते, कहते बार ये लिखा हुआ है नो एडमिशन, इसका नाम है आम मखसूसल बाज। कहा मेरे नबी भी किसी मुर्दे को जिंदा करें तो कर सकते हैं, जैसे इमाम मेहदी गजब की निगाह से देखेंगे तो वो सुफियानी जो आए थे दमिश्क से, दमिश्क से आए हुए होंगे, इशारा फरमाएंगे सारे जमीन में धंस जाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, लेकिन क्या वजह, दज्जाल भी मुर्दे जिंदा करेगा, दज्जाल फिर दज्जाल का दज्जाल रहा, इमाम मेहदी जो है उनमें कोई आंच ना आई, कहा इमाम मेहदी मुर्दे जिंदा करके दिखाएंगे या जिंदों को इशारे से जमीन में दफन कर देंगे, उनसे पूछा जाएगा तो उन्हें कहेगा मैं नबी की गुलामी से ये बात पाई है, और नबी के मुकाबले की बात करे, नबूवत का झूठा दावा करे, बड़ा कीमती पॉइंट है, इल्मे अकीदा की बहस है। वो जो उस दिन आपको कातरन किताब ले आना, उन्होंने उसमें बदयांती की है, वो जो असल किताब है वो नहीं है ये, उसके आशिये पर अल्लामा बरखुरदार मुल्तानी रहमतुल्लाह का आशिया है, वो असल में कीमती किताब है। ये दूसरा आदमी जो है ये गड़बड़ आदमी है, दोनों तरफ मार जाता है। इसमें एक बहस है कि जब झूठा खुदा तक कहलाए तो उसके हाथ से अजायबात जहूर में आए, का झूठा खुदा कहला के करिश्मे दिखा सकता है, झूठा नबी नबी कहला के करिश्मा दिखाने शायद इहानत हो गई, यानी जो काम करना जाएगा उसके उलट काम हो जाएगा। मसलन मुसालमत कज़्ज़ाब को काफी याद रखने की बात है, मुसालमत कज़्ज़ाब को लोगों ने कहा जो हमारा नबी है वो तो बदरजाद नबीनों को बीना कर देता था, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, बदरजाद नबीनों को बीना कर देते, ये एक काना आदमी है, मौजजा दिखलाए इसकी कानी आंख ठीक हो जाए, जब उसको फूंक मारी ना जो ठीक थी वो भी नाबीना हो गई। उनका सरकारे दुआल में अलैहिस्सलाम ने खारी पानी में थूक डाला, आपके लुआबे दहन की बरकत से पानी उबर आया, ऊपर से बहने लगा, पानी लोगों ने पिया, खारी था उसमें पानी था नहीं, वो पानी भी हो गया और खारापन भी उसका निपट गया और वो मीठा हो गया। मुसालमत कज़्ज़ाब से कहा कि ये कुआं खारी है, इसका कोई तदबीर करो, जब उसे थूका तो फिर पेशाब सैलाब की तरह उबर के ऊपर आ गया, जो वो कहना चाहता था उसके उलट हुआ। का इसकी क्या वजह, खुदा कहलाए उसके हाथ पर अजायबात जाहिर हो सकते हैं, लेकिन झूठे नबी के कहे पर अजायबात क्यों नहीं जाहिर हो सकते,
का दरअसल किस्सा यह है कि अल्लाह उसको ये बताना चाहता है, अगर खुदा के बारे में कोई बोगस बात करे ना तो मुमकिन है चल जाए, लेकिन नबी के बारे में बोगस बात करे कभी नहीं चलेगी। वो नबूवत का दावा किए बगैर अगर वो ऐसे करिश्मे दिखाए, अजायबात दिखाए, तो उसके नबी माने जाने में ये एक पाबंदी होगी कि उसको नबी माने या ना माने। मुसलमानों को पहले से यह अकीदा मालूम है कि कयामत तक जो नबूवत का झूठा दावा करने वाला है उसके हाथ से अजायबात मुआजे के नाम से जाहिर नहीं हो सकते। उस वक्त मोमिन उसको कहेंगे कि तू बता हमारे नबी के बारे में क्या अकीदा रखता है। वो कहेगा वो आखिरी नबी नहीं है। उस वक्त उसके चेहरे पर जो स्याही होगी, हमारे इल्म अकीदा के अंदर ये बहस मौजूद है, ये हमारी जितनी अकायद की किताबें हैं, शरा अकायद है, शरा अकायद की शरा ख्याली है, ख्याली की शरा जो है हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी कादरी है, अला हाजर क्यास इसी तरीके से सैयद शरीफ जुर्जानी की किताब है शरा मुआकिफ 8 जिल्द, सब के अंदर है कोई नबी बदसूरत कभी नबी नहीं हो सकता। अब उसी के आस पर मिर्जा जी को भी हम तोलते हैं, या हमने महाराजा रंजीत देखा है या ये मिर्जा कादियानी देखा है। महाराजा रंजीत भी 1839 में मरा है और मिर्जा जी 1839 में पैदा हुए हैं। मालूम है एक तरफ से डुबकी लगाई है मिर्जा का मिस्टर रंजीत ने, दूसरी तरफ से मिर्जा जी निकल आए। तो ये बदसूरती जो है ये भी झूठा होने की अलामत है, क्योंकि नबियों की शान या नबियों में कोई बंदा बदसूरत नहीं गुजरा, नबियों में कोई आदमी ऐबदार नहीं गुजरा। जितने नबी दुनिया में गुजरे हैं उनके नाम सिंगल होते रहे, मसलन याकूब है, यूसुफ है, इसहाक है, इब्राहिम है, इस्माइल है, वो नाम मुरक्कब नहीं होते रहे, उनके कोई तरकीब नावी नहीं होती रही। बहुत तरकीब निजदे नावियां शश बयादश गिर घर खाइब से फोती जो इसना दियो तादा दियो मस्जी इजाफी दाओ तो सीफी यो सोती। हमारे जमाने में किताबें याद किया करते थे। ये नावे का एक लंबा कानून है, कुल लफ्ज का लफ्ज से जोड़ना उसकी छह किस्में हैं। बहुत तरकीब निजदे नावियां शश बयादश गिर घर खाइब से फोती, नावियों के नजदीक तरकीबें कुल छह हैं। अगर तो मकसद के फौत होने का डर रखता है उनको याद कर ले, जो इस ना दियो ता दा दियो मस्जी इजाफी दाओ तो सीफी यो सोती। सुभान अल्लाह। ये 44 में याद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नबियों के नाम सिंगल होते रहे। कहा इनका नाम सिंगल क्यों होता रहा? आदम है सिंगल है, नूह है सिंगल है, इब्राहिम है सिंगल है, मूसा है सिंगल है, ईसा है सिंगल है, मिर्जा कादियानी का गुलाम अहमद नाम क्यों है? रब ने ये लानत उसके गले में लटका दी कि भाई मान तू तो गुलाम है अहमद का, अहमद क्यों कहलाता है? समझ आई ये बात? जितने नबी गुजरे हैं उनके नाम किसी तरह के भी हैं, मगर वो उठान उनके नामों में नहीं है जो हुजूर के नाम में है। वो क्या का वो उठान ये है, हजरत याकूब का नाम है याकूब, ये ट्विन्स ब्रदर्स थे हजरत ईसू और हजरत याकूब, दोनों इकट्ठे पैदा हुए लेकिन पीछे पैदा हुए हजरत याकूब, पहले पैदा हुए जनाब ईसू। याकूब के माने पीछे पैदा होने वाला,
और मूसा के माने पानी में से पाया गया हुआ। आपको आपकी माई साहबा ने दरिया में फेंक दिया था हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक, पकड़े गए पानी में से, नाम मूसा रखा गया। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे और नबियों के नाम हैं जिनके नाम में वो उठान नहीं है। लफ्ज़े मोहम्मद जो है ये एक बड़ी अनोखी किस्म की बात है। बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो नाम है वो अस्माए जामिद हैं। आप स्कूल के टीचर रहे हैं ना, जो होता है ना किसी दूसरे मस्दर से बना हुआ उसको कहते हैं मुश्तक। मुश्तकात की पांच किस्में हैं, इसमें फायल, इसमें मफूल, सिवत मुशब्बा, सीगा मुआलगा, इसमें तफजील। ये पांच अस्माए सिफात भी कहलाते हैं। बाकियों के जो नाम थे वो मुश्तकात में नहीं थे, वो जामिद थे। ना वो किसी से बने हैं, ना उन नामों से कोई और नाम बना है, जिसका मतलब यह है पैदा सोसाइटी में माओं से ही हुए हैं, लेकिन इन जैसा पहले भी सोसाइटी में कोई नहीं था, इनके जैसा बाद में भी कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़े मोहम्मद की बारी है तो ये पहला मुश्ताक नाम है, लफ्ज़े हमद से बना है। हमद के माना है तारीफ करना। मोहम्मद अरबी कवायद में इसको कहते हैं बाबे तफील। बाबे तफील जो है ये अरबी जुबान में मुबालगे के लिए वजह हुआ है, एग्जेजरेट कर रहा हूं। जो माना मसदरी है ना उसमें तकरार या इस्तेमरार या दवाम या कुव्वत पैदा करने के लिए बाबे तफील पर उसको क्यास करते हैं। हमद के मादे को ले गए बाबे तफील पर, वो बन गया तहमीद। तखमीद में बार 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 तारीफ करना। मोहम्मद के बाना बहुत 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 तारीफ किया हुआ। अब रब से पूछते मौला करीम तेरे नाम जो आए हैं कुरान मजीद में उनको हम देखते हैं, तेरा नाम तो हमीद आता है और एक मकाम का नाम महमूद आता है। हमीद के माने भी या तारीफ किया हुआ या तारीफ करने वाला। अरबी जुबान में इस वजन का नाम है सिफत मुशब्बा। ये या इसमें फाइल के माना में होता है या इसमें मफूल के माना में होता है, इसका अपना कुछ माना नहीं होता। ये है सिफत मुशब्बा का सीगा। मेरी तकरीरों में एक ऐप सारी जिंदगी पाया गया, वो दूर नहीं कर सका मैं, लेकिन जब बात समझ आती है तो आदमी लोहा हो जाता है। हाँ जी, ये बाबे तफील है। हमीद के माने या तारीफ किया हुआ या तारीफ करने वाला। ये इसमें फाइल के माना भी आता है, इसमें मफूल के माना भी आता है, लेकिन जब इसमें फाइल के माना में आता है तो तस्कीर तानी इसमें फर्क होता है। ता लगे तो मुअन्नस है, ता हटे तो मुजक्कर है, लेकिन अगर ये मफूल के माना में है तो तस्कीर तानी इसमें कोई तमीज नहीं होती, एक ही जैसा चलता है। मौला करीम हमीद तेरे हिस्से में गया है, हमीद के क्या माना है तारीफ किया हुआ, महमूद के क्या माना है तारीफ किया हुआ। हमीद तो हो गया तू, लेकिन उसके माने का इतबार करेंगे। अक्सर ने लिखा हमीद के माने अहमद, तारीफ करने वाला। तारीफ करने वाला सरकार की जात है। मुबशर अम्बे रसूल याती मिम्बाद इस्मुहु अहमद। मैं तुम्हें एक खुशखबर रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ, जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम है नामी इसमें ग्रामी अहमद है। तो कुरान में से एक नाम अहमद तो सरकार के हक में चला गया, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब जाहिर सरकार का नाम ही रखा गया है। कुल पांच जगह इस्तेमाल हुए लफ्ज़ हमद के मादे से, एक हमीद, एक महमूद, एक मोहम्मद और एक महमूद। अच्छा, अहमद किसके हिस्से में गया सरकार के हिस्से में, मोहम्मद किसके हिस्से में गया सरकार के हिस्से में, और महमूद वो भी सरकार के हिस्से में। आसा अय्यब आसा का रब का मकाम महमूदा, प्यारे अनकरीब तेरा खुदा जो है तुझे मकाम महमूद पर फाइज करेगा।
तो महमूद भी फिर हजूर की शान में चला गया। जितने हमद के मादे से मुश्ताक थे, हमद से निकाल के वो बनाए गए थे, वो सारे सरकार की शान में चले गए। एक बाकी रह गया हमद का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमद जो है ये मस्दर है, बाकी मुश्तकात हैं। वो वादत है, ये कसरत है का, वादत अल्लाह का हक है, कसरत सरकार का। अल्लामा राजी इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए नाम जो इस्तेमाल किया उसके अंदर मुबालगा नहीं है। तो सरकार के जितने भी नाम इस्तेमाल किए बिलवास्ता या बिलावास्ता मुबालगा बन जाता है, बहुत तारीफ किया हुआ। ये बात किस तरह दिमाग कबूल करे, खुदा की तारीफ उतनी ना हुई हो जितनी सरकार की तारीफ हुई हो, उसका जवाब इमाम राजी करते हैं। कहते हैं दरअसल फेल में उतनी कुव्वत होती है जितनी फाइल में हो। एक बच्चा तलवार मारे तो जख्म की गहराई और होती है, एक पहलवान तलवार मारे तो जख्म की गहराई और होती है। चूंकि कुल कायनात और कुल मखलूक इमिन शायन फिल अर्द वला फिस समा इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जमीनों आसमानों की कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी तस्बीह न बयान करे। लेकिन मखलूक मादूद है, कमजोर है, इसलिए उनका फेल कमजोर है, इनकी एक हद है, इसलिए अल्लाह की तारीफ की एक हद है। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ खुद खुदा करता है, न खुदा की कुव्वत की कोई हद है, न मदे मुस्तफा की कोई हद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुजूर मुफक्करे इस्लाम, जीवे जीवे। बात तो इससे अगली आयत पर गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन अब घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, मैं अब बूढ़ा आदमी, मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता। ये जो बातें आपकी खिदमत में पेश की हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हों। आपके अपने ईमान को टटोल के देखें कि आपकी मोहब्बत में, आपके अकीदे में ज्यादा पुख्तगी आई है कि नहीं आई। जो बात अपने बुजुर्गों से, बाप दादे से सुनते चले आए हैं, उसकी तस्दीक होती है कि नहीं। सच्चे दीन की अलामत यह वो पुराने दीन से टैली करता है, झूठे दीन की यह अलामत होती है वो पुराने दीन से टैली नहीं करता। इसलिए जो नबी आता रहा पहले नबी की तस्दीक करता, आने वाले नबी की बिशारत देता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने गुज़श्ता नबियों की तारीफ की, तस्दीक की, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनाई। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैने यदैय्य मिन तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं ऐ बनी इसराइल, ऊपर की आयत में मूसा अलैहि सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम के लोगो, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने यह क्यों नहीं फरमाया मेरी कौम के लोगो? उन्होंने आख्या दसर कौम ना दारो मदार होना प्यू ऊपर प्यो चौधरी वैद पुत्र शाहजी बनी बवे। इधर यूके च काफी सारे चौधरी शाह, राजा शाह, कासमी शाह, कई तरह के शाह बन गए हुए। तो उनका मूसा अलैहि सलाम तो उस कौम के आदमी थे, अब मेरा बाप बनी इसराइल में था ही नहीं, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूं, अब मैं किस मुंह से कहूं ऐ मेरी कौम के लोगों? मालूम है किसी की कौम वो होती है जो किसी के बाप की कौम हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सबक छोड़ा कि जो बात सिंचाई नहीं होती उसको बयान नहीं किया करते। तो उन्होंने दो चीजों की बातें बताई, एक कहा मैं तुम्हारी तरफ रसूल बन करके आया हूं। इससे एक पता चला कि जो ये जो क्रिश्चियन
मिशनरीज हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन ईसाइयों को दीन की तरफ बुला, बनी इसराइल को दीन की तरफ बुलाना है, बाकी कौमों को आसमानी रिकॉर्ड के मुताबिक ये दावत देने का हक नहीं रखते। दूसरा बात, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जो पहले मेरे मुझसे गुजरे मूसा अलैहि सलाम, उनकी तौरात की मैं तस्दीक करता हूं। अब बाद की बात कीजिए, उनके मेरे बाद एक ही न्याना है जिसका नाम है अहमद। जब नाम रोजाना की बोलचाल में उनका नाम अहमद था तो मोहम्मद था तो अहमद क्यों कहा? का दरअसल गल ये है, जरा बंदे ना बाप ना वतन होना, वतने असली होना। हूं जिला कुछ को पुछने हा तो आखना असा शुरू तो इंग्लैंड रहने वाले हाँ, उस सन पंजा तू पहले तो आना ही साबित नहीं, शुरू तो क्या मतलब है तुम कूड़े पर कूड़ पूछा पाकिस्तान के जगह करे आखिर असन इस्लामाबाद करे, वो इस्लामाबाद तो कल बने पहले कड़ी जगह कर सनी खरी तो शुरू तो ही कोई जरा उसकी 50 साल नहीं हुए जो इस्लामाबाद दारुल खिलाफा बने तो शुरू तो किस तरह रहना से कूड़े पर कूड़ कूड़े पर कूड़। उसके बाद वतन असली कौन सा तस्लीम होता है? जो बाप का वतन हो। ईसा अलैहि सलाम को जिस वक्त यहूदियों ने परेशान किया, अल्लाह ने निजात दिलाते वक्त उनको आसमान की तरफ उठाया, ये क्या वजह है कि और नबी जमीन पर इधर उधर हिजरत करते रहे? ईसा अलैहि सलाम की हिजरत के लिए फील्ड जुदा गाना क्यों मुकर्र हुआ? समझ आ रही है बात? जो बहुआ मजलिसां जाने वाले लोग है ना, वो समझे सारिया मंजी तेरे होनी, नहीं सारिया मंजी तेरे नहीं होनी, बक बक बोलो ने। बाकी नबियों को अल्लाह ताला ने जमीन में इधर उधर पहुंचाया, उनकी हजरत करवाई। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे बगदाद से शाम की तरफ आपने हजरत फरवाई, मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से अर्ज़े मुकद्दस की तरफ आपको हिजरत करवाई, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों हिजरत करवाई? का दरअसल वतने असली इनका आसमान है, क्योंकि फूंक जो इनकी आई थी वो आसमान से आई थी, जिब्रील अमीन ने फूंक मारी थी, आप वतने मादरी में तशरीफ ले आए थे, तो फूंक ने बाप का किरदार अदा किया है, इसलिए आप आसमानी असल हुए। तो सरकार का फरमान है अरा अहमद फिस समाए व मोहम्मद फिल अर्द, मुझे आसमानों के रहने वाले अहमद कहते हैं, जमीन के रहने वाले मोहम्मद कहते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम ने ये बोली बोल के वाजे कर दिया कि मैं असल में आसमानी उल असल हूँ। इसी से ये भी एस्टेब्लिश हो गया, जहाँ से कोई खुदा का नबी मुहाजिर बन के जाता है वहाँ फातिह बन के जरूर आता है। आदम अलैहि सलाम जन्नत से मुहाजिर होकर आए थे ना, शैतान ने गिरफ्त की थी ना, एक दिन खुदा शैतान को जलील करेगा, आदम अलैहि सलाम मैं अपनी औलाद के ये फिर जन्नत में जाएंगे, फातिह बन के जाएंगे। मूसा अलैहि सलाम मुहाजिर बन के मिस्र से तशरीफ ले गए थे ना बैतुल मक़दस शरीफ, एक दिन फातिह मिस्र बन के भी आए के ना आए? सरकार मुहाजिर मक्की बन के गए थे, एक दिन फातिह मक्का बन के आए के ना आए? आई बात खैर, ये बात छिड़ जाए तो बातें जाल की तरह बुनी हुई है, और पूरा कुरान ऐसा मुनज्जम तरीके से इसकी वो सेटअप है, कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है। काश में इस तौफीक का मालिक होता, लज्जत वाली बातें। खुद में कहता हूँ मुझे खुद नई किस्म की लज्जत महसूस होती है। हो वलमिस को माँ कर्र तो वो ये तजब्बा हो, ये ऐसी कस्तूरी है जूझू घिसो तो तू तो इसमें नई नई किस्म की खुशबू पैदा होती है। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे।